फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि मुझे जाना है जल्दी से सैलून और दो दिन बाद मेरा है हरतालिका तीज का व्रत, तो उसके लिए मुझे लगवानी है मेहंदी। आज लगवा देती हूँ, कल शायद बहुत ज़्यादा कस्टमर रहेंगे या फिर मुझे भी मम्मी की मेहंदी लगानी पड़ेगी, इसलिए मैं जल्दी से मेरी लगवा दूँगी आज मेहंदी और खाना वगैरह प्रिपेयर करके चली जाती हूँ शॉप पर। आज ज्योति आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं है, मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ। और खाने में अभी बन रहा है चिकू के लिए वेज दलिया। अरे भाई साहब, अभी तो ये मेरा कॉफ़ी का बॉटल चला जाता। तो अभी मैं ज्योति को कॉल कर देती हूँ एक बार, और मुझे मेहंदी लगवानी है, उनको भी कॉल कर देती हूँ। तो दोनों अगर आ जाती हैं तो मेरी मेहंदी लग जाएगी, ठीक है। और एक बार खाना वगैरह बना लेती हूँ, पर एक बार कॉल कर देती हूँ, ठीक है। कॉल करके फिर मैं मिलती हूँ। सब काम हो गया, सिर्फ रोटी बनानी बाकी है, तो रोटी बना देती हूँ। सब कंप्लीट बन गया है, अब मैं खा लेती हूँ और चिकू को कॉल कर रही हूँ, चिकू फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मैं खाना मेरा खा के फिर आपसे मिलती हूँ। खाने में बनाया है दाल, वेज दलिया, रोटी, चावल, ठीक है। ये सब खाना, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। कल का व्रत था इसलिए कैमरे को एक बार रूम में रख देती हूँ। मेरी आवाज़ भी ज़्यादा नहीं निकल रही, क्या पता थक गई हूँ इस वजह से। और मेरे लेंस पे क्या हो गया भाई, आई थिंक इसको मुझे क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। अब हो गया है मेरा लेंस कंप्लीट क्लीन, तो खाना वगैरह खा लेती हूँ और फिर शॉप पर जाना है। आज मेहंदी लगवाऊँगी विचार है, देखती हूँ शॉप पर जाके क्या कंडीशन है, फिर लगेगी मेरी मेहंदी। बचते बचाते हुए आए शॉप पर और बचते बचाते कैमरे को भी लेके आए, और बाहर हो रही है बारिश, पर बारिश कितनी ज़्यादा, यानी कुल मिला के कहते हैं खारे लिए, हम आए तुरंत बंद हो गई बारिश। हमारे आने पे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, कैमरा भी थोड़ा बहुत भीगा, ज़्यादा भीगने नहीं दिया, उस पर दुपट्टा ढक लिया था इसलिए। और अभी करेंगे हमारे कुछ काम, तो जैसे ही काम वाम करेंगे आपको मिलेंगे हम, ठीक है। मैंने आईब्रोज तो बनवा दी हैं और अब मुझे करवाना है फेशियल सॉरी मेरी लिपस्टिक पूरी फैल गई क्योंकि अपर लिप्स पे करवाया मैंने इसलिए, और फेस वैक्स मैं अभी करूँगी थोड़ी देर के बाद, तो एक बार करवा देती हूँ फेशियल। मुँह देख सकते हो और काफ़ी डर भी सकते हो चाहो तो। और ये शिवानी दीदी आए मेरे मेहंदी लगाने के लिए। अरे इधर देख रही हूँ मैं। शिवानी दीदी आए, पैरों की मेहंदी लग चुकी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, और ये इसको शायद कहते हैं डोंगरे, ये डोंगरे बना रही है ज्योति डोंगरे बना रही है। तो मेरी मेहंदी जैसे ही लगती है फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। इतनी देर में कैमरा रख देती हूँ, फालतू में ज़्यादा टाइम लैप्स दिखाने नहीं चाहिए। अभी दो काम एक साथ में हो रहे हैं, मेहंदी भी लग रही है और मेरे बालों में हो रही है ऑयलिंग, क्योंकि आज ऑयलिंग का डे है, तो हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। आप भी एंजॉय कीजिए व्लॉग को। हमारी एक हाथ में पूरी तरीके से लग चुकी है, पैरों पे भी लग चुकी है, और अब शिवानी मैडम जा रहे हैं, एक हाथ पे भी लग चुकी है पर उसके पीछे लगानी बाकी है, तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो घर जाके वो लगा देंगे हम। तो चलिए चलते हैं, व्लॉग करना काफ़ी मुश्किल है पर देखते हैं ऐसे क्या होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है शिवानी दीदी, जो इस मेहंदी की डायरेक्टर है वो इस गाने को भी डायरेक्ट कर रही है साथ साथ में।
तो हमारी मेहंदी लग चुकी है, शिवानी दीदी ने लगा और अब हम घर जाएंगे, ये इनके घर और हम हमारे घर और यहाँ पे लगनी बाकी है वो मैं घर जाके लगाऊंगी, क्योंकि इन मैडम के आज लगवाई है दाढ़, मुंह सूज गया है इसलिए ये मास्क उतार नहीं रही है इसलिए मैंने मास्क पहन रखा है और मेहंदी बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत ही अच्छी। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बता दो, वो आप डिस्क्रिप्शन में दे दो। हाँ, और ये डोमरे की है ज्योति ने जैसे कि मेरे एक हाथ में पूरी कंप्लीट मेहंदी लग चुकी है और एक हाथ में बाकी थी, तो मैं पीछे की तरफ इस हाथ में लगानी बाकी है, तो मैं ये वाली ही मेहंदी लगा रही हूँ सेम जो इस हाथ में लगी हुई है। खुल जाएगी एक साथ तो कलर इवन आएगा और मुझे पीछे की तरफ सेम मेहंदी ही अच्छी लगती है। लग गई है मेरी मेहंदी और मैं खा रही हूँ बिस्किट्स जो अभी नाव देख के गया था, ठीक ठाक लग गई है मेरे को, क्या फोटो देख के लगाने की नहीं हो रही थी और मैंने खुद ही मेरा मर्जी से लगा लिया डिज़ाइन, पर ठीक ठाक लग रही है। चलो थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ ऐसे ही करना है, ऐसे ही देना है। अब इसको इस लाइन के अंदर पूरा स्प्रेड करो, इससे पेंटिंग करने दे रही हूँ तुमको, तुम्हें हाथ इधर लो। मैं कैसे दूर रहूँ यानी हाथ भी पास में रखू, नहीं कैसे ऐसे रहूँ तो मैं देखा ही नहीं कैसे रहा। इस लाइन तक लाओ, कौन सी यार, और नीचे तो बाहर निकल रहा है, नाखून पे लग रहा है, तो उधर भी लगाया है। कहाँ लगाया है, एक जरा भी किसी नाखून पे नहीं लगने दिया वो क्या है क्या ये, हाँ ये, अरे ये तो बाय मिस्टेक लग गया है तो बाय मिस्टेक ही लगता है, मैं भी जानबूझ के थोड़ी लग रहा। अरे तुम वही डाल के दे दो, तुम तो ऐसे कर रहे हो बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहे, ऐसे पोटे ही डाल के दे दो। तो मैं नहीं डाल दे दो, ठीक है। तुम तो कहते थे मैं तो बहुत शानदार वाला पेंटर था, एक बार मेरे मेहंदी लगाई थी, मेरे एक ट्यूटोरियल में दिख भी रही है वो मेहंदी, मेरे राजपूती पोशाक वाला एक मेकअप ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने पीच कलर का लहंगा पहना है, उसमें मेरे एक हाथ में आप मेहंदी देखना जो कि मेरे पति देव ने क्रिएट की है, शानदार। हाँ तब भी तीज ही थी आई थिंक, मेरे मेहंदी लग चुकी है और मैंने खाना भी खा लिया, बड़ी मुश्किल से खाना खाया, फिर टोपे मुझे धोने पड़े क्योंकि चिकू चले गए थे बाहर, क्योंकि बाहर निकला था सांप उसको देखने के लिए, खाने में हो रही थी काफ़ी दिक्कत, तो फिर मैंने हाथ धो लिए और अभी देख रही हूँ मैं कपिल शर्मा शो, तो सब काम हो गया है, बस अब यहाँ ही कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर यहाँ तक व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और रोज़ व्लॉग्स देखने के लिए बेल आइकन को कर देना प्रेस। ओके बाय, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना और शॉप करो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को कर देना डाउनलोड। बाय, कल मिलते हैं।